नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। राजस्थान के महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्रा पहुँचे गोरखनाथ मंदिर, विधि विधान से गुरु गोरक्षनाथ का पूजा कर लिया आशीर्वाद। आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को जन आस्था का सम्मान करने और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के दिए निर्देश। हर घर जल योजना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक। मार्च 2023 तक 1 करोड़ घरों में शुद्ध पेयजल का है लक्ष्य। कार्यों के धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी। कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। सितंबर को चौरी चौरा थाना क्षेत्र में हुई 2,50,000 रुपए की लूट की घटना निकली फर्जी। वादी ने लोगों से लिए उधारी की रकम को देने से बचने के लिए पुलिस को दी थी झूठी सूचना। वादी के खिलाफ ही पुलिस ने थाने में मुकदमा किया पंजीकृत। एसएसपी ने किया खुलासा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर किया पुष्पार्चन। दीक्षा भवन में संविधान की प्रस्तावना तथा मौलिक कर्तव्यों का किया वाचन। कहा, दीनदयाल जी के विचारों पर चल 2047 में विकसित ही नहीं सर्व संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा भारत। जल निगम का अधिकारी ठेकेदार बनकर धोखाधड़ी करने वाले दो अभियुक्तों रामकृपाल यादव व संदीप यादव को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। धोखाधड़ी का 85,000 रुपए किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। सगे साड़ू ने ही मांगी डॉक्टर से रंगदारी। जगह थाने की पुलिस ने एसओजी टीम के साथ साड़ू जितेंद्र गुप्ता सहित दो साथियों राकेश निषाद पन्नेलाल यादव को किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त स्कूटी किया बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। छब्बीस सितंबर की शाम शक्ति पूजा के लिए तैयार शिवतारी की साधना स्थली शक्ति मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे कलश की स्थापना। शारदीय नवरात्र में गोरखनाथ मंदिर में 4 अक्टूबर तक नवरात्र का पूजन एवं 4 अक्टूबर को ही होगा विजयदशमी महोत्सव। सोमवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कुलाधिपति व प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में 7वें दीक्षांत समारोह का होगा आयोजन। 39 छात्र व छात्राओं को दिया जाएगा स्वर्ण पदक। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेबी पांडे ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। घंटे के अंदर एक शातिर चोर को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 चोरी का मोबाइल व 55 ग्राम नशीला डायजापाम पाउडर किया बरामद। भेजा जेल। प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने राप्ती नदी में 1,00,000 मत्स्य उंगलिकाओं को किया प्रवाहित। कहा, सबका साथ सबका विकास व सबका विश्वास पर कार्य कर रही है प्रदेश सरकार। विश्व फार्मेसी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय फार्मेसी संघ व डिप्लोमा फार्मेसी संघ के संयुक्त तत्वावधान में गोष्ठी का किया गया आयोजन। कहा, फार्मेसियों पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है विश्व फार्मेसी दिवस। और श्री श्री रामलीला कमेटी बर्डघाट के तत्वावधान में रामलीला का मंचन कर निकाली गई बड़ी ही धूमधाम के साथ राम बारात की शोभा यात्रा। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास व विधान परिषद के सदस्य एवं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया राम बारात का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरक्षनाथ का पूजन कर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र गोरखपुर विश्वविद्यालय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय चेतना उत्सव समारोह में भाग लेने के लिए आए थे, जिसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्र लगभग दोपहर बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ का विधि विधान से पूजन कर आशीर्वाद लिया तथा मंदिर में स्थित गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन आस्था का सम्मान करें, अराजक तत्वों से सख्ती से निपटें। पर्व त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ने टीम वर्क का मंत्र दिया और कहा कि सभी पक्षों से संवाद बनाए, पुलिस और प्रशासन 24/7 एक्टिव रहे और रामलीला के दौरान प्रभावी इंतजाम हो, प्रतिमा स्थापना और विसर्जन के लिए समितियों से संवाद बनाएं तथा फुट पेट्रोलिंग बढ़ाएं, पुलिस संवेदनशील घटनाओं पर वरिष्ठ अधिकारी खुद लीड करें, खनन माफिया के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने 10 दिन में कार्रवाई कर रिपोर्ट देने की भी बात कही। सभी धार्मिक स्थलों पर पुलिस की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए, मंदिरों में साफ सफाई की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि त्योहार में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, छोटी छोटी घटनाओं पर कार्रवाई किया जाए। इस अवसर पर मंडलायुक्त सभागार में एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविन्द्र गौर, जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, जीडीओ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तवर, सीडीओ संजय कुमार मीना, जीडीए सचिव उदय प्रताप सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस गेस्ट हाउस आसाम हमारी ऑडियो आ रही है सीएम ऑफिस से। आसाम में मंत्री जी से बुला रहे आसाम से ऑडियो आ रही है आसाम ए के शर्मा जी बड़े सर बाकी बुलाए तो और भी लोगों का मुख्यमंत्री जी का और हमारे माननीय मंत्रीगण का मैं स्वागत करता हूँ। अभी एक कुछ दिनों पूर्व भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सब सभी फील्ड के अधिकारियों को संबोधित किया था और उसमें बहुत सारे निर्देश दिए थे, बहुत सारे अभियान हमारे चल रहे हैं, जैसे मादक पदार्थों का है, गौकृषि का है, माफिया का है, अवैध शराब के बारे में है। तो मुझे बताते हुए सर ये खुशी हो रही है कि इसकी रोजाना समीक्षा यहाँ पर मुख्यालय पर भी हो रही है सर, और इसमें ज्यादातर जगहों पर सर बहुत उल्लेखनीय कार्य हुआ है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले पीसी में आपसे और भी कई सारे निर्देश दिए थे, जैसे जन सुनवाई करना, जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाना, तहसील दिवस और थाना दिवस को और प्रभावी बनाना, जनों से संवाद करना इत्यादि संबंध में उसमें भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आगे कार्रवाई कर रहे होंगे। आप अच्छी तरह से अवगत है कि अभी कल से नवरात्र शुरू दुर्गा पूजा प्रारंभ हो रहा है, फिर उसके बाद फिर 5 तारीख की दशहरा है, फिर माला उपहार की है, उनकी जयंती है और उसके आगे एक त्योहारों का सिलसिला शुरू होगा, उसको भी अटेंड कर लिया गया होगा। भीड़ भाड़ के इलाकों में ट्रैफिक के बारे में क्या करना है या जहाँ पूजा स्थल है वहाँ पर भीड़ के नियंत्रण के बारे में क्या करना है, इन सब के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपनी एक अच्छी कार्ययोजना बनाई होगी। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं डीजीपी साहब से आग्रह करूंगा कि आपसे बात रखें, बिना माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उससे फॉरवर्ड कर कराएगा, आप ऐसे बोल दीजिए आप क्या बात आएगी। आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं उसमें प्रमुख रूप से दशहरा है, रामलीला का मंचन है, उसके बाद फिर 12 बरसात है और उसी दिन महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है, उसके बाद फिर दीपावली का पर्व आएगा। इस पर्व के लिए जो हमें पुलिस व्यवस्था करनी है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने पुलिस फोर्सेस को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिसर्स हैं उनको ये सबसे पहले ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी देनी चाहिए कि ये
हिंदू कम्युनिटी के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और इसमें बच्चों का, महिलाओं का, बुजुर्ग लोगों का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। पूरे प्रदेश में करीब 44,000 से ऊपर जो है वो दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर जल योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर जल योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि हर घर जल पहुंचे यह सरकार का लक्ष्य है और मार्च 2023 तक 1 करोड़ घरों में शुद्ध पेयजल पहुँचेगा। जल जीवन मिशन में लापरवाही, शिथिलता स्वीकार नहीं होगी, गड़बड़ी हुई तो कार्यवाही तय है। जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि स्वयं रुचि लेकर डीएम काम कराए। उन्होंने जालौन जिले में हर घर जल के कार्यों में धीमी गति पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की तथा संबंधित ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर मंडल आयुक्त रवि कुमार एन, जिलाधिकारी कृष्णा करूर ने, सीडीओ संजय कुमार मीना, जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर, जीडीए सचिव उदय प्रताप सिंह, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सड़कों की स्थापना हो रही है और धराएं ग्राम पेयजल पीड़ित को अपग्रेड करा के प्रधानमंत्री देखिए, हर प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। यह ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को तो प्राप्त करता ही है। हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के साथ साथ उसके स्वस्थ होने की गारंटी की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाता है और इसे मिशन मोड पर लेने के लिए ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पहले चरण में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र को, सेकंड फेज में आर्सेनिक फ्लोराइड इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित और खारा पानी से प्रभावित जनपदों को, थर्ड फेज में अन्य उन सभी जनपदों में प्रदेश भर के सभी 97,000 राजस्व गांवों पे जहां मानव बस्ती निवास करती है वहां पर जो बचे हुए गांव थे उन सभी गांवों को हर घर नल योजना के साथ जोड़ने की कार्रवाई को साथ में लिया है। बुंदेलखंड में अभी जो प्रोग्रेस है मैं जानना चाहूंगा, बुंदेलखंड जनपद में जुड़े हुए जो अपने जिलाधिकारीगण हैं वे सबसे पहले मुझे बताएं कि वहां की प्रोग्रेस, जिलाधिकारी जालौन अगर हैं तो वहां की प्रोग्रेस के बारे में आखिर उन्होंने क्या किया है और क्यों इतनी खराब है वहां की स्थिति। इसमें सर एक सलाह ग्राम समूह पेयजल योजना है सर, उसमें हमारी प्रगति सर 4% है जो कि संतोषजनक है, संतोषजनक नहीं है सर। ब्रिज गोपाल कॉन्ट्रेक्टर जो है इनके माध्यम से संचालित की जा रही है। कब तक चेतावनी देंगे, कब तक आप उसको भरेंगे? ये मामला एक तरह से पहले खड़ा हुआ है, क्यों हम उसको लेकर के ढो रहे हैं? फाइनल नोटिस दीजिए, कार्रवाई करिए इस मामले में और FIR भी लॉन्च कराइए। अगर इतनी नोटिस के बाद भी वह व्यक्ति सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, ठेका दिया है, ब्लैकलिस्ट करो, FIR लॉन्च करो और प्रभावी कार्रवाई करो उसके खिलाफ। जिले के अंदर इनकी समीक्षा की स्थिति क्या है? जनपद जालौन चौरी चौरा थाना क्षेत्र में 23 सितंबर को 2,50,000 रुपए की लूट की घटना फर्जी निकली, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि 23 सितंबर को वादी अजय कुमार पुत्र स्वर्गीय चंद्रभान प्रसाद निवासी ग्राम सरैया मरचहवा
एमपी टोला पोस्ट सरदार नगर थाना चौरी चौरा जिला गोरखपुर द्वारा सूचना दी गई कि दो बाइक से चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा थाना क्षेत्र के शत्रुधनपुर पब्बन टोला के पास से बैग में रखा 2,50,000 रुपए व जेब से 1,700 रुपए छीन लिए गए, जिसके तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचनावादी के दौरान अजय कुमार ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने यह रुपया दिनांक 23 सितंबर को अपने मित्र विजय निगम जिला देवरिया से लिया है। विजय निगम से वार्ता की गई तो बताया कि मैंने कोई रुपया नहीं दिया है। वादी मुकदमा से दोबारा वार्ता की गई तो बताया कि मेरे बुआ के लड़के हरेंद्र पासवान पुत्र वकील पासवान जिला देवरिया से 2,00,000 रुपया उधार लाया हूं। जब हरेंद्र पासवान से वार्ता की गई तो हरेंद्र पासवान ने बताया कि मेरी माता का निधन हो गया है, उसी की गमी में आया था, लेकिन इनके द्वारा मुझसे किसी रुपए की ना तो मांग की गई है और ना ही मैंने कोई रुपया इन्हें दिया है। वादी मुकदमा से दोबारा पूछताछ की गई तो बताया कि मैं forces.iu से पैसे कमाता था। विगत 3-4 महीनों में मैंने करीब 70,000 जोड़ा था, वही रुपया मुझसे लूटा गया है। जब वादी मुकदमा से रुपया 70,000 के संबंध में विवरण मांगा गया तो उसके संबंध में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं कर सका तथा बताया कि मेरा केवल 1700 रुपए को ही लूट हुई है। मेरे रुपए 2,50,000 की लूट नहीं हुई थी। वादी द्वारा FIR में वर्णित तथ्यों व घटना के बाद मौके पर अधिकारियों द्वारा पूछताछ किए जाने पर घटना से पूर्व अपनी गतिविधियों और मूवमेंट के बारे में जो तथ्य बताए गए थे उनको जब सर्विलांस व अन्य माध्यम से तस्दीक करने पर काफ़ी भिन्नताएं सामने आई। इस संबंध में वादी से कड़ाई से पूछताछ करने पर वादी मुकदमा के द्वारा बताया गया कि मैंने अपनी बहन की शादी में कई लोगों से रुपया उधार लिया था व एक जमीन में मेरा 10,00,000 रुपया फंस गया है तथा मेरे जानने वाले प्रिंस से 1,00,000 व रमेश यादव से 8,00,000 व दीपक से 2,00,000 रुपये एक साल पहले उधार लिया हूँ और कई लोगों से भी उधार लिया हूँ। मेरे ऊपर करीब 18,00,000 रुपये का कर्ज है। ये लोग बार बार मुझसे रुपये मांग रहे थे। बार बार रुपया मांगने के कारण मैं मानसिक रूप से तनाव में आ गया था। तगादे से बचने के लिए मैंने मनगढ़ंत कहानी तैयार कर झूठा मुकदमा लिखा दिया जिससे वे लोग रुपए की मांग ना करें। इस प्रकार वादी मुकदमा द्वारा लिखाया गया लूट का मुकदमा पूर्ण रूप से फर्जित एवं मनगढ़ंत पाया गया, जिसके ऊपर उल्टा मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 20,000 का पुरस्कार दिया जाता है। फर्जी लूट का खुलासा करने वाली पुलिस टीम में चौरी चौरा थाना प्रभारी उमेश कुमार बाजपेयी, SOG टीम प्रभारी मनीष यादव, सर्विलांस सेल प्रभारी राजेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह, जितेंद्र यादव, कांस्टेबल प्रिंस कुमार राय, पिंचू कुमार, अजय कुमार सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉ. गौरव क्रोवर ने कहा, गोरखपुर के थाना चौरी चौरा में 23 तारीख को अजय पासवान जो कि सरदार नगर के रहने वाले हैं, इनके द्वारा एक सूचना दी गई कि 5:30 से 6 बजे के बीच में जब ये रुद्रपुर से अपने घर की तरफ आ रहे थे तो चार व्यक्तियों ने जो कि दो मोटरसाइकिल जिनके पास थे उन्होंने इनको रास्ते में रोका। इनके साथ 2,50,000 रुपये की लूट की गई और फिर वो वहाँ से भाग गए। इस सूचना को प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके का मुआयना किया गया। सभी सीनियर अधिकारियों द्वारा मेरे द्वारा स्वयं मौके का मुआयना किया गया और इस घटना के बारे में उनसे डिटेल्ड पूछताछ की गई, उनकी गतिविधियों के बारे में, उनकी मूवमेंट के बारे में। उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर तत्काल लूट का मुकदमा थाने पर पंजीकृत किया गया और उसी के आधार पर विवेचना शुरू की गई। इनके द्वारा ये बताया गया था कि इनके एक जानने वाले व्यक्ति से इन्होंने ये 2,50,000 रुपये घटना से पूर्व इनके द्वारा लिए गए थे। जब उस व्यक्ति से जानकारी की गई तो उसके द्वारा इस तथ्य से इनकार किया गया और बताया गया कि उनके द्वारा ऐसा कोई भी पैसा इनको नहीं दिया गया। इसको सर्विलांस के माध्यम से वेरीफाई भी किया गया। जब ये तथ्य इनके सामने रखे गए तो वादी द्वारा अपने कथनों में परिवर्तन किया गया और बताया गया कि उनके एक रिश्तेदार जो कि प्रधान हैं उनसे उन्होंने 2,00,000 रुपये लिए थे जो कि वो कैश लेकर के आ रहे थे। इस तथ्य की भी जानकारी उनके रिश्तेदार से जब की गई तो उसके द्वारा भी ऐसी किसी भी पैसे देने की बात से इनकार किया गया। जब ये तथ्य इनके सामने रखे गए तो इनके द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन इनके द्वारा कोई गेम या कोई ऑनलाइन साइट के माध्यम से इनके द्वारा 70,000 रुपये कमाए गए थे जो कि उस बैग में थे जिस जो कि लूटे गए हैं। उसके बारे में जब विवरण मांगा गया कि वो कैश के वो जो पैसे हैं वो किस माध्यम से आपके पास कैश में आए थे तो उसका भी ये जवाब नहीं दे पाए। इस तरह से कई बार इनके द्वारा अपनी जो इनके कथन है उसमें परिवर्तन किया गया। जब कड़ाई से इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया
कि मेरे द्वारा ये झूठी सूचना पुलिस को दी गई थी। तथ्य ये है कि इनके ऊपर विगत कई सालों से 18 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। डेली इनके इनसे जो जिनके द्वारा इनको पैसा दिया गया था वो डेली इनसे तगादा करते थे, इनसे पैसे मांगते थे। इसी चीज़ से शुभ होकर इन्होंने एक योजना बनाई कि अगर मैं लूट की इस वारदात की मनगढ़ंत कहानी को बनाकर ऐसे मुकदमा लिखवाऊंगा तो जो इनसे पैसे मांगने वाले हैं सहानुभूतिपूर्वक इनसे वो पैसा मांगना बंद कर देंगे। इस पूरी घटना का जो अनावरण है वो इनके द्वारा बताए गए अपनी FIR में इनके द्वारा जो कथन किए गए थे, प्लस इनका जो मूवमेंट हुआ, इनकी जो गतिविधियां हुई सर्वलांस से जब इन चीज़ों को चेक किया गया तो ये सारी चीज़ें झूठी पाई गई हैं। इनके द्वारा जो मुकदमा लिखवाया गया है उस मुकदमे की जो धाराएं हैं उनको तरमीम करके इनके विरुद्ध धारा 193 और धारा 420 के तहत उन धारा को तरमीम किया जा रहा है, उनके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय चेतना उत्सव 24-26 सितंबर विषयक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के दूसरे दिन विशेष सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि गोरखपुर सांसद रवि किशन, पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला तथा पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश राजेंद्र सिंह मोती रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती के अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रशासनिक भवन में स्थापित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर पुष्पार्चन किया। इसके बाद दीक्षा भवन में आयोजित संगोष्ठी के विशेष सत्र में शामिल हुए। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन तथा मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पार्चन के साथ हुआ। संगीत एवं कला विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रगान और कुल गीत की प्रस्तुति की। संगोष्ठी की महत्ता पर चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय अत्यंत ही समाचीन है। दीनदयाल उपाध्याय ने प्रारंभ से ही सहज और सरल जीवन शैली को आत्मसात किया। 1967 में वे जनसंघ के अध्यक्ष बने। भारतीयता और सनातन का विचार दीनदयाल के जीवन का मूल केंद्र था। उनके अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष के मूल में नैतिकता है। नैतिकता ही प्रजा को नियंत्रित करती है। राज्यपाल ने अपने छात्र जीवन को याद करते हुए बताया कि एक कार्यकर्ता होने के नाते उनका दीनदयाल उपाध्याय से संपर्क होता रहता था। मैं उनकी सामूहिकता के विचार से बहुत प्रभावित था। वे अपने जीवन चिंतन में सामूहिकता को जीवंत बनाए रखने और नैतिकता को प्रधानता देने का प्रयास करते रहे। दीनदयाल जी ने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। महामहिम ने उनके समर्पण के भाव का उदाहरण देते हुए बताया कि किस प्रकार उन्होंने अपने छात्र जीवन में अपनी कक्षा के कमजोर विद्यार्थियों की पढ़ाई में सहायता करते थे। संगोष्ठी की शुरुआत में माननीय राज्यपाल ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया तथा सभी से दोहराने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों का भी वाचन किया। महामहिम ने दीनदयाल जी के विलक्षण प्रतिभा का वर्णन करते हुए एक संस्मरण को याद किया। उन्होंने कहा कि जब कानपुर में जनसंघ का प्रथम अधिवेशन था जिसमें पंडित जी ने वहां प्रस्तुत किए जाने वाले संकल्प को स्वयं लिपिबद्ध किया था, उसके इस कार्य से प्रभावित होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था कि यदि मुझे 2 दीनदयाल उपाध्याय और 1 अटल मिल जाए तो मैं पूरे भारत की दिशा बदल सकता हूं। राज्यपाल जी ने दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के साथ साथ अर्थायाम के विचार को भी संगोष्ठी में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी मानते थे कि भारतीय अर्थ चिंतन भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का समन्वय है। उन्होंने कहा दीनदयाल जी मानते थे कि समाज को स्वस्थ रखना है तो समाज के हर व्यक्ति खासकर गरीब वंचित के पास आर्थिक स्रोत पहुँचे। ऐसी अर्थव्यवस्था बनानी होगी कि आर्थिक लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुँचे, यही उनका अंत्योदय है। दीनदयाल जी के विचार प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र सबका साथ सबका विकास में समाहित है। सरकार गरीबों तक सभी सुविधा मुहैया करा रही है। दीनदयाल जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी चरितार्थ कर रहे हैं। उनके विचारों के द्वारा ही 2047 तक भारत विकसित ही नहीं सबसे संपन्न राष्ट्रों में स्थापित होगा। महामहिम ने विश्वविद्यालय के कुलपति तथा समस्त शिक्षकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विशिष्ट अतिथि गोरखपुर सांसद रवि किशन ने अपने संघर्ष के दिनों में पिताजी द्वारा बताई गई दीनदयाल जी के जीवन के विचारों से प्रभावित होने की बात कही। रवि किशन ने दीनदयाल के एकात्म मानवतावाद और अंत्योदय के विचार पर कहा कि समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को भी सामाजिक और आर्थिक लाभ मिले तभी संपूर्ण समाज और देश का विकास संभव है। विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश राजेंद्र सिंह मोती ने कहा कि आज की सरकार दीनदयाल जी के अंत्योदय की संकल्पना को धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। विशिष्ट अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि दीनदयाल जी कहते थे कि मनुष्य और राष्ट्र के जीवन में आर्थिक समृद्धि बहुत जरूरी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता
करते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने की बात 15 अगस्त 2021 और 15 अगस्त 2022 को कही है। कार्यक्रम का संचालन तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर दीपक त्यागी ने किया। अंदर तो जाने दोगे ना। अरे
26 नवंबर
1949 ईस्वी मिली मार्चिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मैं मूल कथन पढ़ूंगा, इसको सुनेंगे तो बुलाएंगे। अनुच्छेद 51 का मूल कथन, भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उससे आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दो, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखे और उनका पालन करे। तीन, भारत की प्रभुता एक और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण रखे। चार, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांच, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे और उसका समर्थन करे तथा प्राणीवाद के प्रति दया भाव रखे। आठ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन का सुधार की भावना का विकास करे। दस, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सफल प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। आप सभी अपना आसन ग्रहण करें। विशिष्ट सत्र से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकांत मानव दर्शन उनके संपूर्ण साधना और अध्यास को लेकर एक नई है। अग्निगढ़ विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि वे माननीय अतिथियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। महासभा माननीय राज्यपाल पूर्व सांसद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का पहली बार आया था 5 सितंबर को 2020 से, तो पहली बार 25 सितंबर को अच्छी तरह से नहीं मिला पाए थे, तो मुझे लगा कि ये दीनदयाल जी जैसे व्यक्तित्व के नाम पे बस्ती है और हमें इसको अपने विश्वविद्यालय के आचरण में, हमारे छात्रों के आचरण में, हमारे अध्यापकों के आचरण में इसको लाने की जरूरत है। तो इसी बार हम लोग ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जयंती मनाई थी और उसमें काफ़ी दूर दूर से शिक्षक और लोग आए थे, तो मैं नाम है वो बताना चाहूँगा कि ये 22वीं दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती जिसका नाम है मना रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे शिक्षकों का, हमारे विद्यार्थियों का जोश कितना वो उनको इससे लगाव है। मैं सभी को बताना चाहूँगा महेंद्र जी गोरखनाथ की तबो यूनिवर्सिटी दीनदयाल गोरख विश्वविद्यालय के कैंपस में सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल राजस्थान आदरणीय श्री प्रहलाद जी का आज भी स्वागत और अभिनंदन करना। इमोशन जो नॉन कुछ दुनिया का ये जो अमन इमोशन बांटे इसका कोई तोड़ नहीं है। तो का हाल बा कुछ लगे हुए थे और बस जितना आदमी एकदम कहा जा रहा नवा पार्वती पते हर हर, ये सत्यता है। तो आज हम बहुत मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि उनके साथ मुझे आज मंच साझा करने मिला। मेरे चुनाव में जब आए थे मैं नॉमिनेशन के लिए, इन्होंने ऐसा शंख फूंका था मेरे लिए शब्दों का, ऐसा आशीर्वाद दिया था। महामहिम जी आई रिमेम्बर द स्पीच यू सेड, और वो आज जो आशीर्वाद आप लोगों के द्वारा मुझे कई लाख वोट में मिला वो मैं कभी वो समय वो पल नहीं भूल सकता, मैं उसका ऋणी रहूँगा। राज्यसभा के पूर्व सांसद आदरणीय श्री प्रताप शुक्ला जी का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा, तो चुनाव से लेके और अभी पता चला कि 2.5 करोड़ रुपया उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए दिया। मैं चाहूँगा एक जोरदार तालियां। सर आप
और इधर आ जाइए सर, सर और इधर आ जाइए सर, सर सामने। इस स्मारिका के बाद आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया अपने आसन देने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी नवरात्रि चेतना उत्सव में उपस्थित माननीय सांसद धीरज किशन जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी, पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोदी सिंह जी, वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालयों से आए हुए कुलपतिगण, अन्य गणमान्य महानुभाव, विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण और विश्वविद्यालय से आए हुए सभी छात्र और छात्राएं, अन्य गणमान्य जन, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, आज का विषय बड़ा समीचीन है। दीनदयाल जी का 126 वर्षगांठ हम मना रहे हैं। स्वाभाविक है ऐसे अवसर पर उनका क्या चिंतन था, दिशा क्या थी, देश को किस तरफ ले जाना चाहते थे, और सही माने में भारतीय चिंतन को मूर्त रूप प्रदान करने के दृष्टि से उसकी व्यवस्था क्या थी, ये सारी चीजें आज के अवसर पर स्वाभाविक रूप से स्मृति पटल पर उभरती। सही बात तो यह है कि जैसे अभी बताया लोगों ने, गोरखपुर से मेरा अटूट नाता रहा है और है। ये बात सही है कि आना तो बहुत कम होता है, कई वर्षों के बाद गोरखपुर आया हूं, लेकिन गोरखपुर से हमारे सार्वजनिक जिंदगी का प्रारंभ हुआ था और विश्वविद्यालय भी उस समय अपने बाल्यावस्था, उस समय में विश्वविद्यालय बहुत आता था। जैसे हमारे कुलपत महोदय ने बताया कि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं रहा होगा जिस डिपार्टमेंट के प्रमुख से मेरे व्यक्तिगत अच्छे संबंध न रहे। यहाँ के वाइस चांसलर थे डॉक्टर एम एम वर्मा, जम्मू कश्मीर के बड़े विद्वान, बहुत विद्वान, उनसे मेरा बहुत इतना संबंध था। उस समय केवल एक छात्रावास नाथ चंद्रावत वो भी निर्माण के अंतर्गत, नाथ चंद्रावत छात्रावास में जितने भी छात्र थे मेरा व्यक्तिगत रूप से उनसे परिचय व्यापक संबंध, गोरखपुर शहर नहीं तो गोरखपुर जिले भर में व्यापक संबंध। उस समय महाराज थी गोरखपुर जिले के अंदर, तो गोरखपुर से तो मेरा नाता रहा और समय कार्य करने के नाते स्वाभाविक है दीनदयाल जी उस समय विद्यमान थे, राष्ट्रीय महासचिव के रूप में रहे, फिर बाद में 67 में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुए, तो दीनदयाल जी का गौरव पुराना होता था। वाराणसी में जब पढ़ाई कर रहा था तो वहां भी दीनदयाल जी का बड़ा पुराना होता था, एक छात्र कार्यकर्ता के नाते उनसे बड़ा निकट संबंध था, उनके सानिध्य में रहने का मुझे अवसर मिला था। जीवन के कैसे वैशिष्ट्यों के थे, आज अगर किसी ढूंढा जाए तो उसका अभाव मिलता है। विशेषताएं हम ये लगता ही नहीं था कि इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी होती फटी हुई है, तो अपने से सिलते हैं सुई डोरा से। मैंने स्वयं देखा
मंत्री के लिए घोषा लगा हुआ है, उसकी उसी को पहनना, सामान्य तौर पर अपने हाथ से बनियान और उसका छोड़ना, ये सारी चीजें उनके व्यक्तिगत जीवन के अंतर्गत की आत्मनिर्भरता के भाव को प्रयोग करने में सक्षम है। Thank you.
के अनुसार प्रदान करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति चला। एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। राजस्थान के महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्रा पहुंचे गोरखनाथ मंदिर, विधि विधान से गुरु गोरक्षनाथ का पूजा कर लिया आशीर्वाद। आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को जन आस्था का सम्मान करने और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के दिए निर्देश। घर जल योजना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक। मार्च 2023 तक 1 करोड़ घरों में शुद्ध पेयजल का है लक्ष्य। कार्यों के धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। सितंबर को चौरी चौरा थाना क्षेत्र में हुई 2,50,000 रुपए की लूट की घटना निकली फर्जी। वादी ने लोगों से लिए उधारी की रकम को देने से बचने के लिए पुलिस को दी थी झूठी सूचना। वादी के खिलाफ ही पुलिस ने थाने में मुकदमा किया पंजीकृत। एसएसपी ने किया खुलासा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर किया पुष्पार्चन। दीक्षा भवन में संविधान की प्रस्तावना तथा मौलिक कर्तव्यों का किया वाचन। कहा, दीनदयाल जी के विचारों पर चल 2047 में विकसित ही नहीं सर्व संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा भारत। जल निगम का अधिकारी ठेकेदार बनकर धोखाधड़ी करने वाले 2 अभियुक्तों रामकृपाल यादव व संदीप यादव को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। धोखाधड़ी का 85,000 रुपए किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। सगे साड़ू ने ही मांगी डॉक्टर से रंगदारी। जगह थाने की पुलिस ने एसओजी टीम के साथ साड़ू जितेंद्र गुप्ता सहित 2 साथियों राकेश निषाद पन्नेलाल यादव को किया गिरफ्तार। 1 देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस घटना में प्रयुक्त स्कूटी किया बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। छब्बीस सितंबर की शाम शक्ति पूजा के लिए तैयार शिवतारी की साधना स्थली शक्ति मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे कलश की स्थापना। शारदीय नवरात्र में गोरखनाथ मंदिर में 4 अक्टूबर तक नवरात्र का पूजन एवं 4 अक्टूबर को ही होगा विजयदशमी महोत्सव। सोमवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कुलाधिपति व प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में 7वें दीक्षांत समारोह का होगा आयोजन। 39 छात्र व छात्राओं को दिया जाएगा स्वर्ण पदक। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेबी पांडे ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। बहत्तर घंटे के अंदर एक शातिर चोर को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 चोरी का मोबाइल व 55 ग्राम नशीला डायजापाम पाउडर किया बरामद। खींचा जेल। प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने राप्ती नदी में 1,00,000 मत्स्य उंगलिकाओं को किया प्रवाहित। कहा, सबका साथ सबका विकास व सबका विश्वास पर कार्य कर रही है प्रदेश सरकार।
विश्व फार्मेसी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय फार्मेसी संघ व डिप्लोमा फार्मेसी संघ के संयुक्त तत्वावधान में गोष्ठी का किया गया आयोजन। कहा, फार्मेसियों पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है विश्व फार्मेसी दिवस। और श्री श्री रामलीला कमेटी बड़घाट के तत्वावधान में रामलीला का मंचन कर निकाली गई। बड़े ही धूमधाम के साथ राम बारात की शोभा यात्रा अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास व विधान परिषद के सदस्य एवं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया राम बारात का शुभारंभ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट थाने की पुलिस ने जल निगम का अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान रामकृपाल यादव पुत्र रामवृक्ष यादव निवासी विशनपुरा थाना भलवनी जनपद देवरिया, दूसरा संदीप यादव पुत्र जोखई यादव निवासी आराजी अमानी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है, जिनके पास से धोखाधड़ी की 85,000 रुपये बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि वादी विनोद यादव पुत्र धर्मेंद्र मौजा झूसुना थाना बांसगांव जिला गोरखपुर को उनके मोबाइल पर 11 सितंबर को 3 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन आया और उसने अपने आप को द्विवेदी बताकर तथा जल निगम का ठेकेदार रमेश श्रीवास्तव तथा एक अधिकारी ओपी यादव बनकर वादी के ट्रैक्टर को जल निगम में लगवाने के लिए गारंटी के नाम पर 1,50,000 की धोखाधड़ी की, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि अभियुक्त राम कृपाल यादव व संदीप यादव तथा राजेंद्र पासवान व उसका एक साथी नाम पता अज्ञात ने मिलकर योजना बनाकर वादी मुकदमा विनोद यादव का जल निगम में ट्रैक्टर ट्रॉली लगवाने के लिए अभियुक्त राम कृपाल यादव से जल निगम का अधिकारी कथित नाम ओपी यादव बनकर तथा संदीप यादव से जल निगम का ठेकेदार कथित नाम रमेश श्रीवास्तव तथा राजेंद्र पासवान कथित नाम द्विवेदी हमारे पास 11 सितम्बर को मिलवाया तथा 14 सितंबर को अपने ट्रैक्टर संबंधी संपूर्ण कागजात तथा आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक पासबुक तथा 100 रुपए के स्टाम्प पर नोटिस शपथ पत्र तथा 1,50,000 रुपए लेकर आने को बोले। 14 सितंबर को सभी कागजात के साथ एवं 1.5 लाख रुपए नगद लेकर विनोद मोहद्दीपुर चौराहा पर आया, जहां से द्विवेदी उर्फ राजेंद्र पासवान व एक अज्ञात व्यक्ति मुझे लेकर गोरखपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 6 के सामने शारदा होटल में लेकर गए, जहां पर पहले से अभियुक्त रामकृपाल तथा अभियुक्त संदीप यादव थे। विनोद यादव के समस्त कागजात व 1.5 लाख रुपए ले लिए। हम लोग विनोद यादव से धोखाधड़ी से 1.5 लाख रुपए लेकर वहां से निकल गए तथा होटल के बाहर रेलवे स्टेशन परिसर में हम लोगों ने पूरे रुपए में से अभियुक्त संदीप यादव को 30,000, रामकृपाल यादव को 55,000 व राजेंद्र पासवान व अज्ञात व्यक्ति को 65,000 रुपए मिले थे, जिनको जेल भेज दिया गया। जल्द ही वांछित अमित की भी गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक मृत्युंजय कुमार राय, कांस्टेबल अभिषेक सिंह, हेड कांस्टेबल रामचंद्र पटेल शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, बस ये गोरा होने से थोड़ा छोटे पीछे गोरखपुर के थाना कैंट पुलिस को आज एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे जालसाज गिरोह को गिरफ्तार किया है जो ठेकेदार एवं जल निगम के अधिकारी बन लोगों से ट्रैक्टर लगवाने के जल निगम में पैसे लेते थे। इस तरह उन्होंने एक व्यक्ति को 11 सितंबर को कॉल किया द्विवेदी बनकर, जो कि वो वास्तव में द्विवेदी नहीं था, वो व्यक्ति राजेंद्र पासवान था जिसने द्विवेदी बन के कॉल किया और कॉल करने के उपरांत उसने बताया कि आपका जल निगम में ट्रैक्टर लगवा देंगे, उसके लिए आप 1.5 लाख रुपये सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करिए और जो सिक्योरिटी मनी आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपको हर महीने 70,000 रुपये उस ट्रैक्टर से आय होगी। और इस तरह आय के नाम पे उन्होंने 14 तारीख को उस व्यक्ति को ट्रैक्टर के कागजात पैन कार्ड और तमाम चीज़ों के साथ साथ 1.5 लाख रुपये लेके आने को बोला।
और वो लेके आए, उसको बाद में एक राजमा का एक अजीब सा खेल खेलकर वहाँ से धीरे धीरे कर एक एक गायब हो गए और इस तरह 1.5 लाख रुपये उनसे फ्रॉड कर लिया गया। अब इसमें से टोटल 85,000 रुपये पुलिस ने इन दोनों अभियुक्तों से बरामद कर लिए हैं एवं एक अभियुक्त अभी भी गिरफ्तारी जिसकी होनी शेष है उसके पास 65,000 रुपये बताए जा रहे हैं, उससे भी जल्दी रिकवरी कर ली जाएगी। इन लोगों ने अभी द्वारा पहली बार इस तरह घटना का अंजाम देना बताया गया है, अगर और भी इसे फर्दर पूछताछ भी की जाएगी। इनमें से एक व्यक्ति बता रहा है कि वो होटल कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, दूसरा उसका साथी बताता है जो कि राजमा और इस तरह की जालसाज की घटनाओं में उसका सहयोग करता है। जगहा थाने की पुलिस व एसओजी टीम ने डॉक्टर से रंगदारी मांगने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रुवा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान जितेंद्र गुप्ता पुत्र गंगा प्रसाद गुप्ता निवासी जमुनहा लुहटही थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया, दूसरा राकेश निषाद पुत्र अदालत निषाद निवासी सरहसव थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया, तीसरा पन्नेलाल यादव पुत्र धामा यादव निवासी झलावा थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया के रूप में ही है, जिनके पास से एक देसी तमंचा, दो दिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त स्कूटी को बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्त जितेंद्र गुप्ता, राकेश निषाद, पन्नेलाल यादव उपरोक्त व गौतम गौड़ पुत्र निर्मल निवासी बरवा पट्टी थाना खामघार जिला देवरिया व सतीश निषाद पुत्र चंद्रिका निवासी लक्ष्मीपुर लुहटवी थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया योजनाबद्ध तरीके से जितेंद्र गुप्ता उपरोक्त ने अपने साढ़ू डॉक्टर संतराज गुप्ता पुत्र रामविलास गुप्ता निवासी गोबडौर चौराहा थाना जगहा जनपद गोरखपुर को मोबाइल से धमकाकर 20 लाख रुपए रंगदारी मांगने की योजना बनाई। जेल में रहने के दौरान संपर्क में आए साथी रामगोपाल जायसवाल पुत्र सत्यप्रकाश निवासी सुदामापुर थाना वजीरगंज जिला गोंडा से योजना बताकर रंगदारी के रुपए मिलने पर हिस्सेदारी की बात बताकर अपाची बाइक लिए तथा विनय यादव को उपरोक्त मकसद बताकर तमंचा कारतूस लिए तथा उक्त योजना अनुसार जितेंद्र गुप्ता उपरोक्त अपने साथी गौतम द्वारा उपलब्ध कराए गए सिम से अपने साढ़ू डॉक्टर संतराज गुप्ता के मोबाइल पर फोन कर जान से मारने की धमकी देकर 20 लाख रुपए रंगदारी मांगने की बात 8 सितंबर की रात्रि में कहा। रंगदारी 20 लाख रुपए डॉक्टर के द्वारा न देने पर डॉक्टर एवं उनके परिवार को और अधिक भयभीत करने के लिए जितेंद्र गुप्ता ने अपाची बाइक व तमंचा अपने साथी पन्नेलाल यादव सतीश व गौतम को देकर डॉक्टर को तमंचे से मारने की बात बताने के अनुसार 16 सितंबर की शाम साथी गौतम के द्वारा डॉक्टर के घर पर डॉक्टर के ऊपर जानलेवा फायर करवाया, परंतु फायर संयोगवश डॉक्टर के घर के पास खड़ी गाड़ी पर लगी तथा 20 सितंबर को जितेंद्र गुप्ता अपने साढ़ू डॉक्टर से दोबारा रुपये की रंगदारी की मांग की तथा रंगदारी के रुपये जनपद देवरिया थाना रुद्रपुर बॉर्डर के समीप ग्राम हरैया झिरझिरवा टोले के पास रुपए आदान प्रदान की बात कही। 20 सितंबर को पहले से लगी पुलिस पार्टी द्वारा बदमाशों की घेराबंदी करने पर बदमाश द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए मौके से अपाची गाड़ी छोड़कर भाग निकले तथा अपाची गाड़ी के नंबर के माध्यम एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर जितेंद्र गुप्ता उपरोक्त का नाम प्रकाश में लाकर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में जगह थाना प्रभारी राजेंद्र मिश्र, उप निरीक्षक आलोक राय, शुभम श्रीवास्तव, कांस्टेबल विकास सिंह, सूरज यादव, एसओजी टीम प्रभारी मनीष कुमार यादव, हेड कांस्टेबल राज मंगल सिंह, राम इकबाल राव, अरुण खरवार, कांस्टेबल करुणापति तिवारी, रणवीर प्रताप सिंह, रवि चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव क्रुवर ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना जंगा में 8 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई कि डॉक्टर संतराज गुप्ता, जो कि उस क्षेत्र के एक लोकल डॉक्टर हैं, उनको एक मोबाइल नंबर से फ़ोन आया और धमकी भरे अंदाज से उनसे 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। इस चीज़ की जानकारी उनको उनके द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके क्रम पर इस पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू की गई। इसी के तहत घटनाक्रम में आगे 16 तारीख को इनके घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी के ऊपर फायरिंग की घटना कारित हुई। डॉक्टर संतराज गुप्ता द्वारा इन घटनाओं के संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए
थाने के साथ साथ इसका पर्यवेक्षण सीओ चौरी चौरा और एसपी नॉर्थ साहब के पर्यवेक्षण के अंडर एक पूरी टीम बनाई गई, जिसमें एसओजी स्वॉट और सर्विलांस को भी इसमें सम्मिलित किया गया। लगातार इस टीम द्वारा इस घटना के अनावरण हेतु प्रयास किए जा रहे थे। इसी बीच में पुनः जो वादी हैं उनके पास पहले वाले नंबर से और एक नए नंबर से दोबारा से फिरौती और रंगदारी मांगने की कॉल आ रही थी। इसी के तहत अपराधियों की जो मूवमेंट हो रही थी उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई, जिसके तहत 20 तारीख को जब ये फिरौती की रकम लेने आ रहे थे तो पुलिस द्वारा घेराबंदी जब की गई तो इनके द्वारा पुलिस को घायल करने के प्रयास से मोटरसाइकिल चढ़ाने और फायरिंग की घटना कारित करते हुए ये लोग वहाँ से फरार हो गए, जिसमें कि इनकी जो अपाचे बाइक है जो इनके द्वारा इस्तेमाल की गई थी वो वहीं पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई। इस बाइक के बरामद होने के आधार पर और सर्विलांस के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि ये पूरी घटना इनके ही जो वादी हैं, इनके ही सगे साढ़ू जो हैं उसके द्वारा इस घटना को प्लान किया गया है। इस घटना में इनके साढ़ू और दो अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। ये एक पूरा गिरोह है जिसके द्वारा इस घटना की जो साजिश है वो जो इनके साढ़ू हैं, जब वो जेल में इससे पहले निरुद्ध थे, अपने दो अन्य साथी जो जेल में इसके साथ थे उनके साथ इस पूरी प्लानिंग बनाई थी। जेल में बाहर आने के बाद इनके द्वारा अपने उन दो साथियों व इनके अन्य साथियों के साथ इस पूरी प्लानिंग को किया गया, जिसके तहत इनके द्वारा जो वादी की डिटेल्स अपने साथियों को दी गई, जिनके द्वारा फ़ोन के माध्यम से रंगदारी मांगी गई, फिर उन्हीं की गाड़ी पर फायर करवाया गया और फिर रंगदारी के पैसे लेने के लिए जब ये आए तो इनके साढ़ू भी उसमें मौजूद थे। इसमें विशेष रूप से जो इनके साढ़ू हैं उनकी इसमें अरेस्टिंग हुई है। इनके दो अन्य साथी, इनके साढ़ू जितेंद्र गुप्ता, इनकी अरेस्टिंग हुई है। इनके दो अन्य साथी राकेश निषाद व पन्नेलाल यादव की भी इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसमें चार अन्य लोग हैं जो इस ग्रोह के मेंबर्स हैं, उनकी गिरफ्तारी होना शेष है, उनके भी रोल्स डिफाइंड हो गए हैं। इस पूरी घटना का अनावरण एसपी नॉर्थ साफ के पर्यवेक्षण में सीओ चौरी चौरा, एसएचओ जंघा उनकी टीम व साथ में स्वॉट, एसओजी और सर्विलांस की टीम द्वारा बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया है। इस घटना में प्रयुक्त जो अपाचे मोटरसाइकिल है वो बरामद हुई है और अवैध असला बरामद हुआ है। बाकी अन्य जो साथी उनकी तलाश जारी है। इस घटना के सफल अनावरण के उपरांत इस पूरी टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया जा रहा है। इनके अपराधी के इतिहास आपके इसमें प्रेस नोट में हम लोगों ने सम्मिलित किए हैं। ये जो जितेंद्र गुप्ता हैं जो इनके साढ़ू हैं, इनके ऊपर पूर्व से देवरिया में एक मुकदमा पंजीकृत है। साथ ही जो राकेश निषाद हैं इनके ऊपर भी देवरिया में एक मुकदमा पूर्व का पंजीकृत है, और पन्नेलाल यादव हैं इनके ऊपर भी एक मुकदमा देवरिया से पंजीकृत है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम में जो जो अपराध इन्होंने कारित किए हैं उससे संबंधित थाना जगह पर भी मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। शिवावतारी एवं नाथ पंथ के अधिष्ठाता गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली गोरक्षपीठ पारंपरिक शक्ति पूजा के लिए तैयार है। शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा सोमवार 26 सितंबर को गोरखनाथ मंदिर में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराह्न 5 बजे शक्ति मंदिर में कलश स्थापना करेंगे। इसके साथ ही विशेष अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। नाथपंथी योगी शैव मतावलंबी हैं, लेकिन गोरक्षपीठ में शिव के साथ शक्ति की आराधना की अद्भुत परंपरा है। मठ के प्रथम तल पर स्थित शक्ति मंदिर में पूरे नवरात्र अनवरत साधना चलती है। नवरात्र की पूर्णाहुति पर राघव अर्थात भगवान श्री राम का राज तिलक करने की परंपरा अन्यत्र नहीं दिखती। शारदीय नवरात्र प्रतिपदा पर सोमवार शाम 5 बजे गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत कलश यात्रा निकलेगी। मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ की अगुवाई में यह यात्रा मंदिर के परंपरागत सैनिकों की सुरक्षा में निकलेगी, जिसमें सभी पुजारी, योगी, वेदपाठी बालक, पुरोहित एवं श्रद्धालु शामिल होंगे। कलश यात्रा में शिव शक्ति और बाबा गोरखनाथ के अस्त्र त्रिशूल को मंदिर के मुख्य पुजारी योगी कमलनाथ लेकर चलते हैं। परंपरा के अनुसार त्रिशूल लेकर चलने वाले को 9 दिन मंदिर में ही रहना होता है। भीम सरोवर के जल से मठ के प्रथम तल पर कलश की स्थापना कर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माँ भगवती की उपासना करेंगे। मुख्यमंत्री नवरात में 9 दिन व्रत भी रहते हैं। मुख्यमंत्री बनने के पहले वह अनवरत 9 दिन की शक्ति की आराधना में मंदिर परिसर से बाहर नहीं जाते थे। मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ बताते हैं कि मठ स्थित शक्ति पीठ के गर्भगृह में शारदीय नवरात्र में श्रीमद् देवी भागवत की कथा एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिपदा से विजयादशमी तक हर दिन अपराह्न सुबह एवं शाम 4 बजे से 6 बजे तक चलेगा। देवी देवताओं के आह्वान के साथ
पूजन आरती होती है। 9 दिन व्रतोपासना की पूर्णाहुति हवन और कन्या पूजन से होती है। 4 अक्टूबर को नवमी तिथि के मान में पूर्वाहन 11 बजे गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ कन्याओं का मातृ स्वरूप में पूजन कर उनके पांव पखारेंगे। बटुक भैरव के रूप में कुछ बालक भी शामिल होंगे। कन्याओं और बटुकों को भोजन कराकर सीएम योगी द्वारा उपहार भी प्रदान किया जाएगा। विजयदशमी के दिन 4 अक्टूबर को मंगलवार को प्रातः 8:21 से गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ शिवावतारी गुरु गोरखनाथ जी का विशिष्ट पूजन गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ करेंगे। उसके बाद सभी देव विग्रहों एवं समाधि पर पूजन होगा। अपराह्न 1 से 3 तक मंदिर के तिलक हाल में तिलकोत्सव का कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद 4 से सीएम योगी रथ पर सवार होकर मानसरोवर मंदिर पहुंचेंगे और वहां देव विग्रहों का पूजन एवं अभिषेक करेंगे। तत्पश्चात विजय शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान में पहुंचेगी, जहां गोरखपीठाधीश्वर प्रभु श्री राम का राजतिलक करेंगे। रामलीला मैदान से शोभा यात्रा पुनः गोरखनाथ मंदिर पहुंचेगी और सायंकाल 7 से दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने परिसर में प्रसाद का वितरण किया जाएगा तथा अतिथि भोजन होगा। खास बात यह भी है कि गोरक्षपीठाधीश्वर विजयदशमी के दिन साधु संतों के आपसी विवादों के समाधान के लिए दंडाधिकारी की भी भूमिका में होंगे। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में सोमवार को 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में किया जाएगा, जिसके संबंध में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने बताया कि विश्वविद्यालय में संचालित बीटेक एमटेक बीबीए एमसीए एमबीए एमएससी एवं 349 महिला छात्र हैं, जिसमें कुल 39 स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा, जिसमें 25 छात्र व 14 छात्राएं हैं। कुलाधिपति स्वर्ण पदक बीटेक के छात्र मोहम्मद अनस को प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में एमजी मोटर इंडिया के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक राजीव चाबा व विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल शामिल होंगे। इस अवसर पर अधिष्ठाता प्रोफेसर सुनील कुमार श्रीवास्तव, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर एसपी सिंह, जनसंपर्क अधिकारी मनीष कुमार श्रीवास्तव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने कहा। हमारे जो छात्र बाहर नौकरी के लिए जाते हैं, जब भी कभी इंडस्ट्री में जाएंगे, उनके पास कोई कोर्ट केस आएगा, कैसे करना है क्या है, तो कभी भी इस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में और किसी भी विश्वविद्यालय में इस तरह के ट्रेनिंग छात्रों को नहीं दी जाती। हम अपने छात्रों को इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और एमबीए फार्मेसी के साथ हम उनको लीगल एक्सपर्ट्स के द्वारा भी एक इंटरेक्शन कराएंगे और उनको लीगल, जैसे आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये आज की डेट में हर इंजीनियर्स को जानना है, साइंटिस्ट को जानना है कि आईपीआर का क्या हमारा अधिकार है, क्या क्षेत्र है, कैसे कर सकते हैं, कैसे हम पेटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कल हमारे जो माननीय जो जज महोदय हैं वह हाई कोर्ट के, वो कल उन्होंने उद्घाटन किया है। और अच्छी बात यह है कि इसमें हमको जुडिशियरी की तरफ से एक्सपर्ट्स मिलेंगे और हम लोग भी एक्सपर्ट्स इनवाइट करेंगे हम छात्रों को, तो ये एक छात्रों को एक स्किल देने जा रहे हैं। दूसरी, एक डीजीसीए के साथ हमारा एमओयू हुआ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो हमारे, चूंकि ड्रोन पायलट तभी आप बना पाएंगे, या जैसे भी शादी वगैरह में लोग पायलट ड्रोन उड़ाते हैं ना, वो इलीगल है, जब तक उनके पास लाइसेंस नहीं होगा तब तक वो ड्रोन उड़ा नहीं सकते। तो हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया है, डीजीसीए से एमओयू आ गया है, हम लोग प्रयास करेंगे कल मैम के सामने ही हम लोग एमओयू साइन करके एक्सचेंज कर लेंगे। डीजीसीए के लोग यहाँ आके विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग देंगे, उनका कुछ पैसा है वो और कुछ छात्रों से को लेंगे। विश्वविद्यालय ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा अपने छात्रों को कि पैसा उनको न देना पड़े, जो डीजीसीए का कंपोनेंट है वो या तो हम लोगों को कहीं से और स्पॉन्सर हो जाए। एक दूसरी उपलब्धि हम लोगों को रही है, पहली बार नाबार्ड ने विश्वविद्यालय के साथ सहयोग शुरू किया है, उन्होंने 20,80,000 रुपए का एक प्रोजेक्ट हम लोगों को सैंक्शन किया है, फिश मॉनिटरिंग सिस्टम, किसी आपने लिखा था ना, वो आ गया सैंक्शन लेटर हम लोगों के पास। और ये क्या होता है, आप लोग में जो लोग मछली से संबंधित जानते होंगे, क्या होता है ऑक्सीजन कम होता है जब तालाबों में ना, तो मछलियाँ मर जाती हैं। लोग कहते हैं कि मछली तैरने लगी,
तो हम लोगों को अगर प्रोएक्ट, अच्छा ये जब बादल का मौसम होता है ना, बादल लगा होता है या थंडर स्टार्म होता है, बिजली चमकती है, तब ज़्यादा मरती है। सातवें दीक्षांत समारोह के जो मुख्य अतिथि हैं श्री राजीव चावा जी हैं, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, एमजी मोटर्स इंडिया के हेड हैं वो, ये विश्व की प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी है। और इस दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति मेडल के साथ 39 गोल्ड मेडल हम लोग दे रहे हैं, जिनमें जो कुलाधिपति का जो गोल्ड मेडल है वो हमारे बीटेक के ओवरऑल टॉपर को दिया जाता है। उसमें मोहम्मद असद हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में, वो बीटेक में उन्होंने सभी ब्रांचों में टॉप किया है, उनको हम कुलाधिपति मेडल देंगे। और 14 फीमेल हैं, 39 में 25 और 14। एक चीज और है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो टी हम लोगों ने एक सोशल कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे है, वैसे विश्वविद्यालय की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें हम लोगों ने टीवी के बच्चों को लिया था, 27 बच्चों को हम लोगों ने गोद लिया था, 27 बच्चों में 13 बच्चे रिकवर हो गए, 3 बच्चे दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं है। कोशिश की गई, जो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना करते, 11 बच्चे हमारे अंडर ट्रीटमेंट हैं, तो विश्वविद्यालय उनके साथ भी महीने दो महीने में संवाद करता है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, डॉक्टर्स को रिफ़र करना, हमारे डॉक्टर से संपर्क करना, इस पर करता है। ये भी एक हम लोगों के लिए हम मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे यहाँ वॉच कर रहे हैं, देखिए मेरे कागज में लिखा। कैंट थाने की पुलिस ने 72 घंटे के अंदर शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मोरबी की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अमरजीत डोम पुत्र राजेंद्र निवासी मेडिकल कॉलेज थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी का 3 मोबाइल, 55 ग्राम नाजायज नशीला पाउडर डाइजीपाम को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि 23 सितम्बर की सुबह 6:20 पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर के अंदर घुसकर वादी व उनकी पत्नी का मोबाइल चुरा ले गए थे, जिसका CCTV फुटेज मौजूद था, जिसके संबंध में स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। कैंट थाने की पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज में पहचान करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वो नशे का आदि है, नशीले पदार्थ का सेवन करता रहता है, उसी आदत की वजह से घरों में घुसकर जब कोई मौजूद नहीं रहता है तो चोरी करता है, तथा राहगीरों को भी झांसे में लेकर नशीला पदार्थ खिलाकर उनका सामान चोरी कर लेता है, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अरविंद कुमार यादव, कांस्टेबल राज नारायण धोरेवंशी, दीपक शामिल रहे। प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने राप्ती नदी में 1,00,000 मत्स्य उंगलिकाओं को प्रवाहित किया। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास व सबका विश्वास पर कार्य कर रही है, योजनाओं का लाभ हर वर्ग के व्यक्ति को बिना भेदभाव दिया जा रहा है। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मत्स्य उंगलिकाएं प्रवाहित करने से जल को साफ रखने में मदद मिलेगी, मत्स्य पालकों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए सरकार कटिबद्ध है और उनके लिए अनेकों योजनाएँ संचालित की गई हैं। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि आमजन का जीवन सुगम व बेहतर हो, प्रदेश सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। मत्स्य पालकों को संचालित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी ईमानदारी व पारदर्शिता से दिया जा रहा है। गांवों का सर्वांगीण विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है, योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी ईमानदारी व पारदर्शिता से कार्य हो, इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा, बाबा
सावरी सरस्वती नर्मदी सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सनदिं कुरु ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः हस्तो प्रचालनम् ओम अपवित्रः सर्वांगे हरिचंदनम् सुललितमेदधातु भृगदस्वामरुतः भीष्टमातरः शुभं जायानो विदधे सुजग्मना अग्निर्देवामनवः सूरचक्षसु विश्वे नो देवा अवसागमन्या भद्रं गणेवे श्रूयामु हमें मालूम है ना भाई, हम लोग अब समय खत्म हो गया ना। अरे नारा लगेगा गंगा मैया का, बारिश में समय जाएगा। आराम से देखिए, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने कि मेरे आग्रह पर मत्स्य मंत्रालय को अलग किया और 20,000 करोड़ रुपया मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में दिया। दूसरा एक उनका एक सोच है कि जब नदी ताल घाट हरे भरे थे तब जो है धनता धनदान थी, उसमें इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में है कि परिस्थिति विज्ञान कहती है कि जल जीव का स्तर मेंटेन रहना चाहिए, जितना जल जीव हो और जल हो उसके हिसाब से मछलियों का पिछली सरकारों की गलत नीतियों की वजह से इनकी संख्या में बड़ा अनुपातिक नुकसान हो गया था, तो उसके वजह से अभी हम लोग रिवर रेंचिंग कर रहे हैं। आज 1,25,000 यहाँ डाला गया। बड़ी खास बात है कि जिस नदी का नदी हो उसी नदी के ब्रूडर को, उसी नदी के मछली के पहले बड़ी मछली को निकाल कर हम लोग एक अटेस्टेड है अधिकारियों के देख रेख में उनके बच्चे को बड़ा करके इसमें डाला जाता है और हम लोग उसके देख रेख के लिए भी व्यवस्था रखे हैं कि आगे इसमें कोई प्रतिबंधित जो जाल है वो नहीं डालें और किसी भी तरह का शिकार माही पर अभी रोक लगा। कौन कौन सी मछली पकड़ी? देखिए हमें कतला रोहू है, ज़्यादातर हम लोग कतला रोहू डालते हैं और उसी की उस नदियों में उसी बड़ी संख्या होती है, उनके सर्वाइव करने का होता है और उसी नदी के बच्चों को डालना है। राष्ट्रीय फार्मेसी संघ व डिप्लोमा फार्मेसी संघ के संयुक्त तत्वाधान में जिला अस्पताल के ओपीडी हॉल में विश्व फार्मेसी दिवस के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में राष्ट्रीय फार्मेसी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र शुक्ला ने बताया कि 25 सितंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ लिख कर देता है जिन्हें लेने के लिए आपको फार्मासिस्ट के पास जाना पड़ता है। इन्हीं फार्मेसियों पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर जिला संयोजक अनिल कुमार पांडे, मनोज कुमार शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ला, सत्यम त्रिपाठी, गिरजा त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए राष्ट्रीय फार्मेसी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र शुक्ला ने कहा, हम लोग मनाते हैं किस
कमी है। फ्रांसी समाज के भाइयों से सीख लेते हुए आज हर साल हर बार 25 सितंबर को इस यात्रा दिवस को जरूर कितना विश्व में नाम उन्होंने ऊंचा किया मुझे नहीं पता, लेकिन भारत में थाना शिष्यों ने इस बात पे एक बार ताली जरूर भारत में थाना शिष्यों के लिए लगाई है। मेरा नाम सत्येंद्र शुक्ल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय फार्मेसी संघ। ये बैठक राष्ट्रीय फार्मेसी संघ और डिप्लोमा फार्मेसी संघ के संयुक्त तत्वाधान में इंटरनेशनल फार्मासिस्ट फेडरेशन जो हर वर्ष एक थीम तय करती है फार्मेसी के विकास और लोगों के चिकित्सा क्षेत्र में फार्मेसी के योगदान को प्रचार और प्रसार के लिए आज का दिन 25 सितंबर का दिन विश्व फार्मेसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भी हमारे देश में रीजनल ड्रग थेरेपी ना होने की वजह से फार्मासिस्ट को सिर्फ एक मात्र कंपाउंडिंग सब पर्संस के तौर पे जाना जाता है, जबकि 70 के दशक के बाद ही कंपाउंडिंग पर्संस ख़त्म हो गए और टेक्निकल पर्संस फार्मेसी अफसर्स यहाँ पे पोस्टेड हुए। आज भी हमारे देश में लोग फार्मेसी में मेडिकल स्टोरों में बहुत सारे फार्मासिस्ट ना होने के कारण दवाओं के रख रखाव, दवाओं के यूजेज, दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं जान पाते जो एक मरीज का लीगल राइट्स होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स दवा लिख देते हैं लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स उन्हें नहीं बताते, इसलिए आज की ज़रूरत है वर्तमान समय में कि मरीजों को क्लिनिकल फार्मेसी जो पूरे विश्व में लागू है लेकिन भारत में अभी इम्पोज नहीं हो पाई है पूर्ण तरह से, जिसके लिए PPR एक्ट 2015 लागू किया गया, लेकिन अभी भी भारत में डॉक्टर्स ही क्लिनिकल फार्मेसी का कार्य कर रहे हैं। उसके प्रचार प्रसार हेतु आज विश्व फार्मेसी दिवस के तौर पर इंटरनेशनल फार्मेसी फेडरेशन द्वारा निर्धारित तिथि को ये एक विचार गोष्ठी के रूप में मनाया जा रहा है। श्री श्री रामलीला कमेटी बर्डघाट के तत्वाधान में शनिवार को रामलीला का मंचन, अहिल्या, उद्धार, नगर दर्शन, धनुष यज्ञ, परशुराम लक्ष्मण संवाद का मंचन, श्री मारुति नंदन हनुमंत आदर्श रामलीला मंडल अयोध्या गोलाघाट के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया। आपको बता दें कि धनुष यज्ञ में राजा जनक जी धनुष यज्ञ का आयोजन करते हैं। जनक जी ने घोषणा किया कि जो भी इसे उठाकर दो खंडों में विभाजित करेगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करूँगा। यह प्रण सुनकर दसों दिशा के राजा उपस्थित हुए। सभी ने मिलकर धनुष को उठाने की कोशिश की लेकिन किसी ने धनुष को नहीं उठा पाया, जिसके बाद ऋषि विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम ने धनुष उठाकर दो खंडों में विभाजित कर दिया। राजा जनक व महारानी सुनैना दोनों दंपत्ति बहुत प्रसन्न हुए और पुत्री सीता को ले जाकर श्री राम के गले में वरमाला डलवाया। इसके उपरांत रविवार को प्रभु श्री राम जी की रामलीला मैदान से बड़े ही धूमधाम के साथ बारात की शोभा यात्रा निकाली गई। बारात के निकलने से पहले श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी का विधिपूर्वक भोग लगाया गया। उसके बाद आरती दिखाकर बारात को रवाना किया गया तथा बारात का शुभारंभ अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास व विधान परिषद के सदस्य एवं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया। राम बारात रामलीला मैदान से निकलकर पांडेहाता, घंटाघर, रीति चौक, बख्शीपुर, चौरैया गोला, बसंतपुर होते हुए वापस रामलीला मैदान पर आई और श्री राम और माता सीता का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। इस अवसर पर कमेटी के अध्यक्ष पंकज गोयल, विकास गुप्ता, महेश वर्मा, संतोष वर्मा, सतीश वर्मा, अनुराग मझवार, कन्हैया वर्मा, उमेश अग्रहरी, कन्हैया शर्मा, प्रमोद शर्मा, अभिनव बरनवाल, हरिद्वार वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में श्री राम जी के भक्त राम बारात में शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए श्री श्री रामलीला बर्डघाट कमेटी के महामंत्री अनूप अग्निहोत्री एवं विधान परिषद सदस्य भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह तथा अयोध्या से आए हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा, ब्रह्मांड कर पावे ना।
ने धनुष का खंडन कर दिया। फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान में, आसमान श्री राम जी आश्चर्यचकित हो गए। क्या झांकी जो थी ये अभी तक अधूरी थी, राम लक्ष्मण की जोड़ी तो एक ब्रह्म दूसरे जीवाचार्य लखन लाल जी। राम कौन है? परात्पर ब्रह्म। और लक्ष्मण जी कौन है? जी ताली बजाएंगे आप लोग प्रेम से। तो जब राम जी की शादी हो गई, अब इसी को कहते हैं राम विवाह। पश्चिम बंगाल में बंद 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 बंद।
मेरा नाम अनूप अग्निहोत्री, महामंत्री रामलीला कमेटी। वर्ल्ड गार्ड रामलीला का इस बार 160वां साल है और पूरी कमेटी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाती है। हम लोग ये सोच के मनाते हैं कि सनातन धर्म को पुनर्जीवित करना है हमको, उस इच्छा से हम लोग इस रामलीला को मनाते हैं। बच्चे आज रामलीला को भूल चुके थे, बच्चे दोबारा रामलीला को याद करें कि कैसे पात्र होते थे, कैसे रामलीला होती थी। आज हम लोग उसी लोगों का आलोक जला रहे हैं। कहाँ की टीम आई है और कितनी टीम? ये बनारस की टीम आई हुई है जिसमें 22 लोगों की ये रामलीला करने के लिए टीम आई हुई है। और आज हमारी राम बारात का प्रोग्राम है जिसके लिए हमने बनारस से झांकी मंगवाई हुई है, जो योगी जी मोदी जी ने वहाँ पे कार्यक्रम जब किया था उसमें जो डमरू की टीम लगी थी वही टीम मैंने आज राम बारात के लिए स्पेशल बुलाई हुई है। और ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि उसमें हमको शासन का प्रशासन का बहुत सहयोग मिलता है। ये यहाँ से निकलने के बाद नॉर्मल घंटाघर, पांडेहाता, नखास, रेती, बख्शीपुर, चौरैया गोला, लाल डिग्गी, खूनीपुर चौराहा, मदरसा, हालसीगंज, बसंतपुर, हाशूपुर, चुंगी और रामलीला मैदान पे आके शादी का कार्यक्रम संपन्न होगा। लोगों में उत्साह होता है, करीब करीब 5,000 लोगों की गैदरिंग होती है शादी में। हाँ, कल हमारा धनुषक का कार्यक्रम था, धनुषक का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, आज हमारा राम बारात का कार्यक्रम है, कल हमारा वन यात्रा का कार्यक्रम होगा, फिर विभिन्न चौराहों से घूमते हुए प्रभु वन को जाएंगे। रामलीला समिति मेलघाट के द्वारा भगवान राम की बारात का कार्यक्रम चल रहा है। हनुमानगढ़ के महंत श्री राजूदास जी की और गोरखपुर महानगर के नागरिक हमारे महानगर के अध्यक्ष और श्रद्धालुगण यहाँ उपस्थित है। भगवान राम की बारात जा रही है और हम सब उसमें भागीदार बन रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं, भारत की प्राचीन परंपरा को आज भी सब लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम सब भागीदार बन रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करें कि भगवान श्री राम की बारात में शामिल होने का अवसर मिला। सराफा मंडल इस व्यवस्था के अनुरूप आज मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, महानगर अध्यक्ष जी को भी आभार दूंगा कि साथ साथ भगवान राम की इस बारात में पूरे ये मंडल परिवार और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं। भगवान राम की अति कृपा है, विशिष्ट कृपा है, जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति और राष्ट्र रक्षा और हिंदुत्व को लेकर माननीय अध्यक्ष जी की पार्टी लगातार तत्पर और भगवान राम के चरणों में सभी कार्यकर्ता समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं, तो इस गरिमा में इस दास को भी गोरक्ष धाम में आने का अवसर मिला तो अपने आप को सौभाग्यशाली और भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। राजस्थान के महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्रा पहुंचे गोरखनाथ मंदिर, विधि विधान से गुरु गोरक्षनाथ का पूजा कर लिया आशीर्वाद। आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को जन आस्था का सम्मान करने और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के दिए निर्देश। हर घर जल योजना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक। मार्च 2023 तक 1 करोड़ घरों में शुद्ध पेयजल का है लक्ष्य। कार्यों के धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी। कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। सितंबर को चौरी चौरा थाना क्षेत्र में हुई 2,50,000 रुपए की लूट की घटना निकली फर्जी। वादी ने लोगों से लिए उधारी की रकम को देने से बचने के लिए पुलिस को दी थी झूठी सूचना। वादी के खिलाफ ही पुलिस ने थाने में मुकदमा किया पंजीकृत। एसएसपी ने किया खुलासा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर किया पुष्पार्चन। दीक्षा भवन में संविधान की प्रस्तावना तथा मौलिक कर्तव्यों का किया वाचन। कहा, दीनदयाल जी के विचारों पर चल 2047 में विकसित ही नहीं सर्व संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा भारत।
जल निगम का अधिकारी ठेकेदार बनकर धोखाधड़ी करने वाले दो अभियुक्तों रामकृपाल यादव व संदीप यादव को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। धोखाधड़ी का 85,000 रुपए किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। सगे साड़ू ने ही मांगी डॉक्टर से रंगदारी। जगह थाने की पुलिस ने एसओजी टीम के साथ साड़ू जितेंद्र गुप्ता सहित दो साथियों राकेश निषाद पन्नेलाल यादव को किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त स्कूटी किया बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। छब्बीस सितंबर की शाम शक्ति पूजा के लिए तैयार शिवतारी की साधना स्थली शक्ति मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे कलश की स्थापना। शारदीय नवरात्र में गोरखनाथ मंदिर में 4 अक्टूबर तक नवरात्र का पूजन एवं 4 अक्टूबर को ही होगा विजयदशमी महोत्सव। सोमवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कुलाधिपति व प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में 7वें दीक्षांत समारोह का होगा आयोजन। 39 छात्र व छात्राओं को दिया जाएगा स्वर्ण पदक। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जे बी पांडे ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। घंटे के अंदर एक शातिर चोर को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 चोरी का मोबाइल व 55 ग्राम नशीला डायजापाम पाउडर किया बरामद। भेजा जेल। प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने राप्ती नदी में 1,00,000 मत्स्य उंगलिकाओं को किया प्रवाहित। कहा, सबका साथ सबका विकास व सबका विश्वास पर कार्य कर रही है प्रदेश सरकार। विश्व फार्मेसी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय फार्मेसी संघ व डिप्लोमा फार्मेसी संघ के संयुक्त तत्वावधान में गोष्ठी का किया गया आयोजन। कहा, फार्मेसियों पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है विश्व फार्मेसी दिवस। और श्री श्री रामलीला कमेटी बर्डघाट के तत्वावधान में रामलीला का मंचन कर निकाली गई बड़ी ही धूमधाम के साथ राम बारात की शोभा यात्रा। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास व विधान परिषद के सदस्य एवं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया राम बारात का शुभारंभ। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।